जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्त तट रेलवे यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे के बजट एनालिसिस के बारे में और जानते हैं इसमें क्या है। इस साल बात करें 2021-22 की जो खर्च हुआ था, जो बजट अलोकेट हुआ था नई रेल लाइन के लिए, वो मात्र था 10 करोड़ रुपए, जो बढ़कर इस साल हो गया है 317 करोड़ रुपए। बात करें अगर पहली एक रेल लाइन की, जो कि है अंगुल सुकिंदा रोड, जो 98 किलोमीटर की रेल लाइन है, और इस साल इसके लिए डिपॉजिट हुआ है 475 करोड़ रुपए। फिर एक रेल लाइन है खुर्दर रोड बोलनगिर, इसके लिए 236 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ है और 655 करोड़ रुपए EBR-IF के थ्रू अलोकेट हुआ है। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, आप देख सकते हैं बोलनगिर से आस के आसपास छोटा सा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जो झार तारबा तक जाता है, और यहाँ खुर्दा रोड जंक्शन से नयागढ़ टाउन के आगे भी रेल लाइन बन चुकी है और साथ में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी चालू हो चुका है। फिर बात करते हैं तालचेर बिमलागढ़, एक रेल लाइन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए 250 करोड़ रुपए इस साल कैपिटल से अलोकेट हुआ है। फिर ये एक नई रेल लाइन है जयपुर मलकानगिरी, 130 किलोमीटर की रेल लाइन है और इसके लिए इस साल कैपिटल से 11 करोड़ रुपए और डिपॉजिट में 2.5। अभी तक इस पर कोई भी ग्राउंड वर्क चालू नहीं हुआ। फिर जयपुर से ही नवरंगपुर एक रेल लाइन है, इसके लिए इस साल कैपिटल से 40 करोड़ रुपए अलोकेट हुआ है और 35 करोड़ रुपए। तो जो इनिशियली में पैसा अलोकेट होता है वो मोस्टली लैंड एक्विजिशन, मतलब जमीन अधिग्रहण और दूसरे कामों के लिए होता है, सर्वे वगैरह के लिए, उसके बाद फिर एक्चुअल ग्राउंड वर्क चालू होता है। फिर आप देखेंगे नौपाड़ा से गुनपुर तक एक मीटर गेज रेल लाइन थी जो ब्रॉड गेज कर दी गई, बाद में इलेक्ट्रीफाइड कर दी गई, साथ ही में इसके एक्सटेंशन का भी प्लान है, जो कि नौपाड़ा से तिरुवली तक इसको बढ़ाना है और इसके लिए इस साल 10 करोड़ रुपए फंड अलोकेट। फिर एक और रेल लाइन है संबलपुर गोपालपुर बारस्ता फूलबनी, ये इसका एस्टिमेट है लगभग 3000 करोड़ का, पर इसके लिए इस साल कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। ये आपका बोलनगिर खुर्दर रोड लाइन को इंटरसेक्ट भी करते बीच। फिर एक बाईपास रेल लाइन का प्रपोजल है तालचेर अंगुल, तालचेर पर बाई कनेक्शन सहित रेल लाइन, एक 14 किलोमीटर की रेल लाइन होगी, साल भी इसके लिए कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं डबलिंग की, तो खुर्दा बारंग थर्ड रेल लाइन के लिए 64 करोड़ रुपए कैपिटल से और 100 करोड़ रुपए EBR के थ्रू अलोकेट। रजतगढ़ बारंग एक रेल लाइन है, ये डबल हो चुकी है। झारसुगुड़ा रेंगाली, ये रेल लाइन भी डबल हो चुकी है। विजय नगरम कोटवाला थर्ड रेल लाइन, इसके लिए 13 करोड़ रुपए। संबलपुर टीटलागढ़, इसके लिए 79 करोड़ रुपीज कैपिटल से और 20 करोड़ रुपए EBR बजट हुआ। फिर है बुरडमाला झारसुगुड़ा डाउन रेल लाइन के हेतु फ्लाईओवर बनना है, 20 करोड़ रुपए इसको कैपिटल से और 20 करोड़ रुपए इसको लोकेट हुए। फिर है बांसपानी देतारा तोमका जाखपुरा, इसके लिए कैपिटल से 170 करोड़ रुपए और EBR-IF के थ्रू 20 करोड़ रुपए लोकेट। फिर डेलांग पुरी, ये रेल लाइन की डबलिंग के लिए इस साल कोई फंड लोकेट नहीं हुआ है। संबलपुर तालचेर, इसके लिए 70 करोड़ रुपए कैपिटल से और 102 करोड़ रुपए EBR-IF। सिम्हाचलम उत्तर गोपाल पत्तनम बाईपास रेल लाइन डबलिंग के लिए फंड अलोकेट नहीं हुआ है। किरंदुल जगदलपुर 150 किलोमीटर की रेल लाइन है, इसके लिए डिपॉजिट हुआ है 227 करोड़। भद्रक नीरगुंडी थर्ड रेल लाइन के लिए 102 करोड़ रुपए कैपिटल से और 249 करोड़।
जगदलपुर कोरपट ये डबलिंग के लिए 105 करोड़ रुपए कैपिटल से और 143 करोड़ रुपए डिपॉजिट। विजयनगरम संबलपुर टिटलागढ़ थर्ड लाइन के लिए 350 करोड़ रुपए कैपिटल से और 611 करोड़ रुपए। जरापादा बुधापंक तालचेर में फ्लाईओवर सहित तीसरी व चौथी रेल लाइन के लिए 70 करोड़ रुपए कैपिटल से लोट हुआ है और 47 करोड़। बुधापंक सलेगांव बारस्ता राजगढ़ थर्ड व फोर्थ रेल लाइन के लिए 265 करोड़ रुपए कैपिटल से 245 करोड़ रुपए ईबीआरआईएफ लोकेट हुआ है। जो भद्रक विजयनगर में थर्ड लाइन का जो बैलेंस सेक्शन है के लिए साल कुछ भी अलोकेट। कोटा बासला कोरपट ये रेल लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए कैपिटल से और 284 करोड़ आईएफ के तहत। कोरपट सिंगापुर रोड के लिए 163 करोड़ रुपए कैपिटल से और 200 करोड़ रुपए ईवीआर के थ्रू अलोकेट हुए हैं। फिर है खोरदा रोड विजयनगरम के लिए 2 करोड़ रुपए कैपिटल से और 2 करोड़ रुपए ईवीआर आईएफ के अलोकेट हुए। आगे बात करते हैं बधुआ पाल फ्लाईओवर, ये एक 20 किलोमीटर का फ्लाईओवर है जो कि सबसे बड़ा है इस जोन के लिए भी। आप ट्वीट देख सकते हैं अलोकेट बजट ऑफ बधुआ पाल फ्लाईओवर 5 करोड़ रुपए लास्ट ईयर इसको अलोकेट हुआ था और इस साल इसको 15 करोड़ रुपए और अलोकेट। वैसे अगर आप देखें कैपिटल से डबलिंग के लिए 1800 करोड़ रुपए और डिपॉजिट हुए 227 करोड़ रुपए और ईवीआर आईएफ के थ्रू 2148 करोड़ रुपए अलोकेट। बात कर लेते हैं ओवरऑल बजट की, तो नई रेल लाइन के लिए 317 करोड़ रुपए, डबलिंग के लिए 1861 करोड़ रुपए, ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 42 करोड़ रुपए, ऑपरेशन के लिए 4.41 करोड़ रुपए, रोलिंग स्टॉक के लिए 21 करोड़ रुपए, लीज असेसमेंट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट के लिए 1270 करोड़ रुपए, रोड सेफ्टी वॉक्स लेवल क्रॉसिंग के लिए 30 करोड़ रुपए, रोड सेफ्टी वॉक्स ओवरब्रिज अंडरब्रिज के लिए 426 करोड़ रुपए, ट्रैक रिमूवल के लिए 680 करोड़ रुपए, ब्रिज बॉक्स टनल बॉक्स अप्रोचेस के लिए 55 करोड़ रुपए, सिग्नलिंग एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए 138 करोड़ रुपए, अदर इलेक्ट्रिकल बॉक्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 22 करोड़ रुपए, मशीनरी एंड प्लांट के लिए 22 करोड़ रुपए, फिर वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 142 करोड़ रुपए, स्टाफ वेलफेयर के लिए 12.80 करोड़, कस्टमर अमेनिटीज के लिए 109 करोड़ रुपए, अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 19.5 करोड़, ट्रेनिंग एचआरडी के लिए 5.6 करोड़ रुपीस, बाकी मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस स्टोर सस्पेंस एंड मिसलेनियस। इस तरह से टोटल बजट होता है 6289 करोड़ रुपए, इसमें से अगर क्रेडिट और रिकवरीज हटा दी जाएं तो ये बचता है 5063 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी अच्छा है इस साल के लिए। तो आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो। अगला आप किस जोन का एनालिसिस चाहते हैं, अगर वो अब तक कवर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं हर साल और बीच बीच में जो भी बजट से रिलेटेड अपडेट होते हैं वो मैं लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।